दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और दोस्तों फाइनली जिस ट्रेन का बहुत दिनों से वेट हो रहा था, अब वो ट्रेन चलने के लिए लग चुकी है, IRCTC पे लिस्ट हो चुकी है। तो दोस्तों जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि बहुत दिनों से वेट हो रहा था, अब ये ट्रेन तीसरी वंदे भारत है जो कि आज चलेगी। तो ये ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से आज अपनी पहली जर्नी की शुरुआत करेगी दोपहर में 2 बजे। लेकिन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से जब ये ट्रेन आज पहली जर्नी करने वाली है, इनोग्रेशन होने वाला है, तो आज इसका एक रंगारंग कार्यक्रम होगा। वहाँ पर अगर आपके नियर बाय है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि लगभग 11 बजे के आसपास ही ट्रेन वहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद इसमें कार्यक्रम होगा, उसकी विदाई दी जाएगी, हरी झंडी दिखाई जाएगी, उसके बाद ही अपना पहला सफ़र शुरू करेगी। तो आइए फटाफट मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से स्टेशनों से होकर जाएगी और कितने बजे तक ये मुंबई पहुंचेगी और क्या है इसका किराया, फूड इंक्लूड है नहीं है, क्या है, पूरी डिटेल में जानकारी बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इतना रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप अपने चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम आ चुके हैं IRCTC की वेबसाइट पर, ये IRCTC की वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अभी मैंने अहमदाबाद मुंबई के बीच में चलने वाली ट्रेनों को सर्च किया है, तो देखिए बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पर शो करता है, बहुत सारी ट्रेनें दिखाता है, लेकिन हमें वंदे भारत की बुकिंग देखनी है तो हम इसमें वंदे भारत को ही सर्च करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको भी कर देता हूँ, ये देखिए ये आ गई हमारी सबसे ऊपर वंदे भारत, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से दोपहर में 2 बजे चलेगी। तो आइए इसका मैं सबसे पहले आपको रूट दिखाता हूँ। ये देखिए ये है इसका ट्रेन जर्नी का रूट, ठीक है। तो इन इन स्टेशनों से ये ट्रेन आज चलने वाली है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये देखिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सुबह 11:10 पर आ जाएगी और दोपहर में 2 बजे जाएगी। 170 मिनट का हॉल्ट है, जी हाँ 170 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम होगा, विदाई दी जाएगी इसको, तो काफ़ी मतलब लंबा इसमें हॉल्ट दिया गया है। पहली जर्नी है इसकी, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होगा। अगर आपके नियर बाय है तो आप इसको डायरेक्ट स्टेशन पर जाकर भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 2 बजे जब पहली जर्नी शुरुआत करेगी तो उसके बाद क्या होगा, वडोदरा जंक्शन जाएगी दोपहर में 3:03 पर, और दो सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट है, 3:06 पर वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो आज इसका इनोग्रेशन है, इसलिए ये अहमदाबाद जंक्शन से चल रही है, ठीक है। लेकिन इसकी जो अगली जर्नी होगी, आगे से जो जर्नी हुआ करेगी, वो हुआ करेगी देखिए गांधीनगर रेलवे स्टेशन से, ठीक है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन से, जो कि अहमदाबाद से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास दूर है, ठीक है। तो इसका आज पहला रन है और वो अहमदाबाद से हो रहा है, लेकिन अब आगे से जब ये ट्रेन चला करेगी तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन से चलेगी, ठीक है। उसके बाद जाएगी ये सूरत, वडोदरा के बाद जाएगी सूरत, और सूरत पहुंचने का टाइम है इसका शाम को 4:25, वहां पर भी 3 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, और 4:28 पर ये ट्रेन सूरत से भी निकल जाएगी। फिर फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल, जो कि पहुंचेगी ये शाम को 7:35 पर। तो टोटल डिस्टेंस ये कवर करने वाली है आज, अभी मतलब आज तो ये अपनी जर्नी की शुरुआत अहमदाबाद से कर रही है, इसलिए इसके 520 किलोमीटर पूरे नहीं होते हैं, लेकिन जब अगली बार ये ट्रेन चलेगी, अपनी नेक्स्ट जर्नी करेगी, तो पूरे 520 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अभी गांधीनगर से अहमदाबाद के बीच का जो डिस्टेंस है 29 किलोमीटर का, वो लेस किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे जानकारी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इसकी बात करते हैं, देखिए ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलेगी, शुक्रवार को अहमदाबाद उससे गांधीनगर से, और इसका ट्रेन नंबर होगा 09404, ठीक है। ये इसका ट्रेन नंबर है, वंदे भारत एक्सप्रेस। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कौन कौन सी इसके अंदर क्लास की फैसिलिटी है, ठीक है। तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस जो, ये देखिए मैं आपको और बता देता हूँ, अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल, मतलब जो इसका टोटल डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम होगा वो 5:35 का होगा, ठीक है। और इसके अंदर देखिए चेयर कार की और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की दो क्लासों की फैसिलिटी दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार की, ठीक है। देखिए इसके अंदर देखिए अभी करंट सीटें अभी अवेलेबल है 36, जी हाँ, तो इसके अंदर अभी बुकिंग हो रही है। और अब आइए इसके फेयर की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो बेस फेयर है वो है 1694 रुपये,
60 रुपये रिजर्वेशन चार्ज, 75 रुपये सुपरफास्ट का चार्ज, 92 की GST और केटरिंग, केटरिंग सर्विसेज में इंक्लूड है, 389, लगभग 400 रुपये। तो इसके अंदर आपको खाना मिलेगा, खाना लेके जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों चेयर कार की। चेयर कार का जो किराया है वो है 1290 रुपये, और इसके अंदर भी देखिए अभी करंट बुकिंग अवेलेबल है, 864 सीटें खाली हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर देखिए जो बेस फेयर है वो 831 रुपये का है, 40 रुपये का रिजर्वेशन चार्ज है, तो और 45 रुपये का सुपर फास्ट चार्ज है, 46 रुपये की GST है और 328 रुपये का केटरिंग चार्ज है, खाना इसके अंदर मिलेगा। तो आप किसी भी क्लास में ट्रेन जर्नी करेंगे, दोनों ही क्लास में आपको खाना इसके अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।